कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने बोलते आईने, बोलते आईने में आप सारे नाजरीन का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत, नमस्कार और खैर मकदम। दोस्तों, बोलते आईने का यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में म्यूजिशियंस, एंटरटेनर्स, पेंटर्स और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अचीव करा है अपनी लाइफ के अंदर, उनके साथ हम उनके इंटरव्यूज दिखाते हैं। म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज, टॉक्स ऑन ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज, ऑल दिस थिंग दे पर्टेन टू बोलते आईने। और लगातार तकरीबन एक साल से इसके शो चल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बोलते आईने के इस यूट्यूब चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगातार आपको ये सारी नशिस्त होती हैं, हमारी महफिलों होती हैं, इनकी वीडियोज आपको लगातार मिलते रहे। आज की शाम को हम एक बहुत ही ऐसे फनकार को पेश कर रहे हैं जिसका नाम है सुरीला जी, और वो बहुत अच्छे बड़े वायलिनिस्ट हैं। सुरीला मैंने इसने कहा कि वो बहुत ही मेलोडियस आदमी है, शख्सियत उनकी मेलोडियस है, बहुत अच्छा बजाते हैं। और नाम है दिल्ली घराने के मशहूर वायलिन एक्सपोनेंट उस्ताद अलीम खां। उस्ताद अलीम खां साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने के इस चैनल के अंदर। मैं आपके बारे में दो एक बातें बताकर मैं आपको दावत दूंगा जी। अच्छा, उस्ताद अलीम खां जो हैं एक मशहूर तबला मैस्त्रो हुए हैं दिल्ली घराने के, उस्ताद आशिक हुसैन, हाँ आप उनके पुत्र हैं, अजराड़ा घराने जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। और आपने जो अपनी शिक्षा ली है वायलिन में, वो अपने मामू उस्ताद मोहम्मद अली खान साहब से ली है। घर का माहौल कैसा रहा, तालीम कैसी रही, कैसे आप बड़े और मौसीकी माहौल के अंदर आप बड़े हुए, ये सारी बातों का जिक्र हम आपसे खुद ही सुनना चाहेंगे। तो उस्ताद अलीम साहब, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप बताइएगा कि किस तरीके की आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और म्यूजिक जो है आपके रगों में बहरा है और किस तरीके से वायलिन में आप पहुंचे, इसके बारे में तफसील मैं बताता हूं। सबसे पहले तो बोलते आईने के व्यूअर्स को मेरी तरफ से आदाब नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज को इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक मुझे चांस दिया, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा घर की तालीम, जैसा कि आपने पूछा है कि घर के लिए क्या था कि गाने बजाने का माहौल बहुत था। गाना बजाना सुबह उठते ही, बस वो फजर से ही वो नमाज के बाद से ही शुरू हो जाते थे बस। और कोई कुछ तान मार रहा है, कुछ अपना सिलसिला चलता रहा बरसों तक। तो समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर अकल आती गई। बचपन था तो एक दिन क्या हुआ कि उस्ताद जी अपने बेटे को आवाज दे रहे थे। उनका बेटे अहमद अली सितार बजाते थे, वो ऑलरेडी रेडियो में थे, तो उनकी डेथ हो गई अभी। तो तब वो, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, अरे कहने लगे भाई हमारी लैंग्वेज में जब खान साहब किसी को कहा जाता है तो मतलब वो बड़ा अदब से और बहुत मतलब टाइटल है एक खान साहब। तो अपने बेटे को बुला रहे थे, कहने लगे अरे भाई खान साहब सुनो। तो वो उन्होंने सुना नहीं, तो मैं आ गया। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। तो वो चुप हो गए। उन्होंने कहा अरे भाई खान साहब। तो फिर मैं आ गया, हाँ जी। वो आए नहीं।
उन्होंने एक बड़ी गहरी सांस ली, कहने लगे हो इसका मतलब ये है कि घर में अब दो दो खान साहब हो गए, एक तो बड़े और ये छोटा। तो बड़ा उनका ये आशीर्वाद रहा कि उन्होंने सिखाने में और उनका जो तरीका था सिखाने का, उन्होंने सबको एक जैसा सिखाया। कभी भी उसमें कोई इस तरह का नहीं कि मतलब मेरा बेटा है तो उसको अलग ट्रेनिंग है या वो मुझे अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं, साथ में ही बिठा के सबको ट्रेनिंग देते, और जो उनका लेसन चलता था वही मेरा भी चलता था। हालांकि मैं उनसे बहुत छोटा था, भाई साहब से भी, और अब जो भी शिष्य होते थे बहुत अच्छी तालीम उनकी चलती रही। काफी साल मैंने उनसे सीखा, मैंने तकरीबन उनसे 25 से 30 साल के बीच तक मैं सीखा, मतलब कंटिन्यू। तो ये जो उस्ताद मोहम्मद अली खान साहब से काफी आपने सीखा और उनकी सारंगी पे भी, इसराज पे भी, दिलरुबा पे भी, अलग अलग जितने भी जॉनर्स हैं रिलेटेड जो हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से, उस पे उनका बहुत ही बड़ी एक मास्टरी रही। उनके बारे में थोड़ा और बताइए, और हम चाहेंगे कि आपके इस ब्रीफ टॉक के बाद छोटी सी हम उनकी एक वीडियो है बड़ी पुरानी मोहम्मद अली साहब की, हमने कहीं से ली है, वो भी हम छोटी सी वीडियो अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे। दिखाइए दिखाइए। क्या होता था कि वो इस तरीके से बजाते थे, तो वो वायलिन भी ऐसे ही बजा देते थे कि बेटे ये तान ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ। हम उसको ऐसे बजाते थे, तो उनका तरीका ऐसे बताने का था। लेकिन ये मुश्किल है जॉब कि एक शख्स जिसको मतलब वायलिन का सिर्फ आइडिया है कि वायलिन ऐसे बजता है, और बताया उन्होंने बिल्कुल करेक्ट फिंगरिंग और सब जो एक वायलिनिस्ट में होना चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं इसको वायलिन सिखाऊंगा। अपने बेटे को उन्होंने सितार सिखाया, वो खुद सुरसागर बजाते थे, पूरे इंडिया में वन एंड ओनली सुरसागर बजाने वाले वही एक वाहिद शख्स थे। अच्छा। और दूसरा किसी ने बजाया नहीं उसको। अच्छा। मैंने सुरसागर सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहने लगे कि इसमें गुंजाइश कम है, इसलिए वायलिन सीखो, ताकि अगर बाई चांस, वो दूर की सोचते थे कि क्लासिकल में भी अगर नाम नहीं हुआ तो कम से कम लाइट या गजल या फिल्मी गीत या कुछ तो बजा ही लेगा। तो ट्रेनिंग हर तरह की दी उन्होंने, हर तरह की ट्रेनिंग दी के उसको आना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि उनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाएं और लुत्फ उठाएं, तो वो हम दिखाते हैं अपने नाजरीन को। सब कुछ उन्हीं का दिया है। जी बिल्कुल। अच्छा अलीम साहब, आज की जो महफिल का आगाज हम करना चाहेंगे वो एक शास्त्र है, क्योंकि हम अलग अलग जॉनरों में देखेंगे, एक तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, इवन वेस्टर्न, हर अलग अलग किस्म के जो है, इवन बॉलीवुड में जहां पर हमारे वायलिन का बड़ा इस्तेमाल हुआ, थोड़े थोड़े टुकड़े हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो आज की शाम आप क्या बजाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्लासिकल पीस का? बसंत का माहौल चल रहा है उस महीना, गुरु पूर्णिमा का, सरस्वती पूजा हो रही है सब जगह,
और ऐसे मौके पे आपने मुझे इनवाइट किया, तो मैं चाहूंगा कि बसंत और बहार थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको वेरी गुड, तो ये बसंत बहार में आप दिखाएंगे जी, प्लीज पेश कीजिए। तो उसका कंपोजिशन जो है वो इस तरह का है कुछ। पहले मैं छोटा सा आलाप करूंगा, ठीक, फिर उसके बाद में आपको प्लीज प्लीज आपके समक्ष राग बसंत में एक बंदिश में पेश करता हूँ, फगवा ब्रिज देखने को चलो रे। मुलायजा फरमाए।
Very melodious, very enthralling. अच्छा उस्ताद अजलीम साहब, इस मौके पे हम जरूर एडवेंटेज लेना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, आपकी पैदाइश वैसे दिल्ली में ही हुई थी क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ। जी मेरी पैदाइश एक्चुअली मेरे फादर की वो ऑल इंडिया रेडियो में थे जयपुर में। ओके जयपुर में। हाँ तो मेरी पैदाइश जयपुर में हुई। अच्छा उसके बाद कितना अरसा हो गया या कब से आप दिल्ली में आए? मैं 7 साल की उम्र से मैं यहाँ। ओके लेकिन हमने इस वक्त में देखा है करीबन 35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई, कैसे बढ़े और कितने मेजर फेस्टिवल्स में आप गए हैं और इंडिया और अब्रॉड में बहुत बजाया है। और इससे भी ज्यादा मैंने जो देखा है आपको, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ आपने बहुत बजाया है, चाहे वो क्लासिकल के हों, चाहे सेमी क्लासिकल के हों, चाहे वो गजलों के हो। और उस्ताद गुलाम अली साहब के साथ तो मैंने आपको बहुत ज्यादा देखा है। और जब भी हम दूरदर्शन के खासकर प्रोग्राम देखते हैं या दूसरे टीवी के चैनल देखते हैं, अक्सर आपको पाते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आप उनका एकॉम्पनी करते हैं। मुझे कुछ ऐसी अपने नाजरीन के बिहाफ पे कुछ बातें शेयर कीजिए, कैसे कौन से बड़े बड़े आर्टिस्ट किस तरीके से आप घूमे फिरे उनके साथ, और कुछ ऐसी बातें बताइए बेमिसाल जो कि हमारे नाजरीन को अच्छी लगे उन आर्टिस्ट के बारे में। एक एक, एक यहाँ कॉन्सर्ट होता है लीजेंड्स ऑफ इंडिया, तो कमानी हॉल में जी, तो गुलाम अली खान साहब को उसमें लीजेंड्स ऑफ इंडिया में पहली बार उनको इन्वाइट किया गया था गाने के लिए। तो उस प्रोग्राम में मैं उनके साथ मैं वायलिन पर था जी। तो उन्होंने जो कंपोजिशन गाई वो थी करुणा याद मगर, अच्छा किस तरह भुलाऊं उसे, अच्छा गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। क्या तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एंट्री का जो पीस है वो वायलिन पर है जो उत्तम सिंह जी ने बजा रखा है जी। तो मैं चाहूंगा आपको एक उसका जी अब उसमें वायलिन कैसे एंटर।
प्लीज सर। बहुत इम्प्रेस हुए जी, इतना इम्प्रेस हुए वो कहने लगे हर प्रोग्राम में अलीम को अलीम चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा जी जरूर नमाजी आपकी। तो काफी दौर चलता रहा, उसके बाद फिर तो लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, सभी लोग मिले रास्ते में। फिर तो तलत अजीज भी मिले, फिर तो चंदन दास जी भी मिले, फिर तो फिनाज मजानी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब काफी बड़ी। कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो वायलिन तो बजाए लेकिन एक तबीयत भी जो है उसका बिहेवियर है, और जिसके पास आप बैठना चाहते हो, देखना चाहते हो, और जिसकी संगत में रहना चाहते हो? कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने बहुत ज्यादा मुतासिर करा है इन टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से? एक्चुअली क्या है कि सभी ने इतना इतना काम किया हुआ है, सभी मेरे लिए एक एक मतलब चैलेंजिंग रहे। जैसे अब तलत अजीज जी हैं, अब मैं एज ए म्यूजिशियन सबका काम समझना पड़ा कि तलत अजीज ये चीजें गाएंगे तो उनकी चीजें, चंदन दास ये चीजें गाएंगे तो उनको अडॉप्ट किया कि भाई ये क्या गाएंगे तो उसके हिसाब से क्या राग है, क्या बेस है। जैसे तलत अजीज जी का क्या है, जैसे बागेश्वर में तारा रा रा तारा तारा रा रा फिर चिड़ी रात बात उसका जो है वो अंदाज कमाल है। हाँ भैया इस टाइप से ये मेरे लिए एक एजुकेशन मेरी इसमें बढ़ती गई सबको समझना। फिनाज मसानी बहुत अच्छी है, दिल दो तुझे हुआ। तो ये सब अंदाज जो है वो मुझे मुझे बहुत इम्प्रेस किया इन चीजों ने। सही बात। जैसे गुलाम अली भाई, जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ। तो
सबको मिला जुला के मुझे सबके साथ काम करके सबका स्टाइल मुझे थोड़ा थोड़ा सा मैंने वो सब मेरे गुरु हैं एक्चुअली सबसे मैंने कुछ सीखने को भी मिलता है और आप भी खूब पढ़ते गए लाइफ में। अच्छा जैसे कल से शुरू करा बीच में आपने थोड़ा सा गजल का पैटर्न भी दिखाया सेमी क्लासिकल में कुछ आप अलीम साहब पेश करना चाहेंगे थोड़ा सा उपशास्त्रीय संगीत में कुछ टुकड़ा छोटा सा मैं थोड़ा सा आपको एक दादरा सुनाना दादरा सुनाइए जिसमें पहाड़ी में वो बड़ा मशहूर एक जब मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब के साथ बजाया यहाँ दिल्ली अरे वाह क्या तो नाम ले दिया आपने एक ठुमरी दादरा उन्होंने गाया मार डाला नजरिया मिला के अच्छा हाँ तो वो मैं आपको सुनाता हूँ पहाड़ी में प्लीज तो थोड़ा सा उन वो भी मेरे गुरु रहे हैं उनसे भी मैंने जो चीज अडॉप्ट की वो मैं आपके सामने एक प्लीज आपके समक्ष एक बहुत खूबसूरत दादरा पेश करने जा रहा हूं जिसके बोल हैं मार डाला नजरिया मिला के। ये बहुत पुरानी कंपोजिशन है जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बजाया वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ मुलायजा फर ये राग पहाड़ी मिश्र पहाड़ी में Mm-hmm.
बहुत बहुत ही बहुत मजा आ रहा है। अच्छा उस्ताद अलीम साहब, इस प्रोग्राम को जिस तरीके से हम इख्तिताम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरूर आखिर में आपसे एक वो धुन चुनना चाहेंगे जो आपने बहुत बजाई है, जो दिखाता है कि वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ भी आपका काफी रुझान रहा है। कम सितंबर की एक धुन आपने बड़ी बजाई और सोशल मीडिया पर बड़ी फैली हुई है, और उसको बजाने से पहले कोई ऐसा मैसेज दीजिए हमारे यंग जितने भी सीखने वाले हैं म्यूजिक के, खासकर क्लासिकल म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक में, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, और बाद में आप ये कम सितंबर की एक धुन बता दीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी आपसे बात कही, हमारे जो बच्चे हैं आजकल के जो बजाते हैं वायलिन, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा कि वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कोई क्लासिकल बजाता है तो वो लाइट से थोड़ा चिढ़ता है, उससे बचता है नहीं, और कोई लाइट बजाता है तो वो क्लासिकल उससे नहीं बचता, तो वो बड़ा परेशान रहते हैं, डायलेमा में रहते, और वो बचते उससे, उस चीज से बचते भी हैं। अगर आपने कुछ मतलब ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको ये कहता हूँ कि म्यूजिक म्यूजिक है, उसको समझने की जरूरत है, बचता सब है, वायलिन है तो इसमें क्लासिकल भी बजता है, साउथ इंडियन भी बजता है, इसमें क्या नहीं बजता, बजाने वाला होना चाहिए, आप उसके पीछे लगिए, आप उससे बचिए नहीं। कई लोग बातें करते हैं कि हम तो लाइट बजाते नहीं, अब अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों भाई, उसमें क्या बुराई है, क्योंकि बुराई किसी में नहीं है, बुराई तो जो चले वो बेस्ट है, और आदमी को उसी जमाने के साथ चलना चाहिए। तो इसीलिए यही नहीं कि हम क्लासिकल में ही अपना जोर आजमाइश करें, थोड़ा सा लाइट में भी और वेस्टर्न में। जैसे मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, वेस्टर्न में एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी मेरे बचपन में, डॉक्टर जीवागो, उसको बोलते हैं लारा, तो लारा तारा। तो जब मैंने वेस्टर्न की तालीम ली दिल्ली और स्कूल ऑफ म्यूजिक में, तब उन्होंने मुझे ये लेसन दिया था, जब मैं थोड़ा बजाने लगा, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज वन टू के हमारे बचपन में बैंड में जब कोई शादी भी होती थी तो उसमें एक धुन बहुत बजती थी, तो जब हम वेस्टर्न सीखे तो वो धुन हमारे सामने आई, अरे ये मैंने कहा ये तो हम बहुत सुनते, उसे बोलते हैं कम सितंबर। तो देखिए
ये तो आपने कमाल कर दिया, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। तो मैं कहता हूँ कि म्यूजिक म्यूजिक है, इसको एंजॉय करना चाहिए, म्यूजिक म्यूजिक है, म्यूजिक को एंजॉय करना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर असल में आपने पूरा कैलिडोस्कोपिक ग्रुप, पूरा जो शुरू से आखिर तक, चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फोक का अंदाज आपने, ठुमरी, दादरा, बॉलीवुड आपने, स्पेनिश और आपने वेस्टर्न, कम सितंबर, सारा मिला के एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया। थोड़े से वक्त के अंदर आपने इतना मुजाहरा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और जी, जाते जाते कुछ आप हमारे बोलते आने के नाजरीन से कुछ आप शेयर करना चाहेंगे मैसेज, और उनके भी आप पे मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करना चाह रहा हूँ, आपने टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी धुने, अपना रेंडिशन दिया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बोलते आने के लिए आप कुछ अगर दो शब्द कहना चाहें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा हमें। बोलते आने इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, मैं खुद भी बहुत देखता हूँ, और उसके जो एंकर हैं हमारे सैमसन डेविड साहब, वो मेरे फेवरेट हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, उनका प्यार है। और मैं चाहूँगा कि जो भी कलाकार लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनसे जुड़े और उनके साथ मिलजुल कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, उसमें अपना साथ दें, अपना कोलैबोरेशन दें इसके साथ। यही मेरा मैसेज है सभी लोगों को, और ऐसे प्रोग्राम हमारे देश में होते रहने चाहिए जिससे कलाकारों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और उनकी आइडेंटिटी कुछ बने। तो ये मेरी शुभकामना है बोलते आने के लिए, अलीम साहब बोलते आने के शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए, आपके फन के लिए और आपके प्यार मोहब्बत के लिए, ये तमाम हम बातें आपसे कर रहे हैं। और जो रमीज, जो रमीज हुसैन है, वो स्क्रीन पे नहीं आए, मैं चाहूंगा कि उनको भी आप एक बार दिखाएं। जी जी जी, स्क्रीन पे बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ तबला बजा रहे थे जी, ये तबले पे तो बहुत ही सुंदर। रमीज साहब बहुत बहुत सलाम आपको, आपको प्यार हमारी तरफ से। रमीज साहब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी संगत करी, खुदा आपको बहुत तरक्की दे, और आगे आइंदा जो भी मिलकर हम फिर से प्रोग्राम करेंगे उसमें आप जरूर आइएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बहुत शुक्रिया रमीज जी, मेरा भतीजा है, कुछ कहना चाहोगे बोलो जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बताइए, जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस शो को बहुत बहुत प्यार दे, और ऐसे बहुत कम शोज है जो कि क्लासिकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम शोज है, उसको बहुत बहुत ज्यादा प्यार दे, ये कहना चाहूंगा। खास करके यंगस्टर्स को जो है क्या रहा है, क्लासिकल के बारे में पता नहीं है, इसके सहारे उसको काफी ज्यादा हेल्प मिली है। आप सब इसको भी प्यार करें और इसको भी बढ़ावा, अल्लाह की तो आप लोग दें, अल्लाह इसको और ऊंचाइयों पर ले जाए, हमारी बहुत आशीर्वाद है इसके लिए, और आपका आशीर्वाद की जरूरत है। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू अलीम साहब, थैंक यू रमीज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, so kind of, thank you. Bolte aaine, bolte aaine.